अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहा नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे हम रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में। इसके लिए जो है MIUI की एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो रोल आउट की गई है, और ये अपडेट आपको यूरोप रीजन, ग्लोबल रीजन और इंडिया रीजन में देखने को मिलेगी। और इस अपडेट में क्या न्यू मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, और अगर आपको अपडेट नहीं मिले तो आप अपने मोबाइल में ये अपडेट कैसे फ्लैश कर सकते हैं आगे चलकर मैं वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है, मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लें। तो MIUI 13.0.14.0 की एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो रोल आउट की गई है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के लिए। इसमें जो है ये अपडेट कुछ आपको 266 MB की अपडेट है, जिसमें आपको लेटेस्ट सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें कुछ का लैग वगैरह को भी फिक्स किया गया है, कुछ अदर जो है टच वगैरह इशू था और कुछ बैटरी ड्रेनिंग इशू था वो भी जो है इसमें कुछ हद तक बेहतर कर दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारा जो है अपडेट में 266 MB की अपडेट में काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट की गई है सिक्योरिटी पैच के साथ साथ। तो आपको अपडेट मिल गया ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले तो इस अपडेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इंडिया में ये अपडेट जो है 13.0.7.0 के जो है वो रोल आउट की गई है, जिसका वर्जन है SKF INXM मीन्स के ये इंडियन वेरियंट के लिए जो है 13.0.7.0 की अपडेट है। अपडेट वर्जन जो है हमेशा जो है ग्लोबल में आगे रहता है, तो ग्लोबल में SKF MIXM 13.0.14.0 की अपडेट है, और इसमें आपको सितंबर का, और जो इंडिया में अपडेट लॉन्च की गई है उसका वर्जन तो पीछे है 13.0.7.0, लेकिन ये 280 MB की अपडेट है जिसमें आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी बैच देखने को मिला है। तो इंडिया में जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी बैच अक्टूबर का मिल गया है, लेकिन ग्लोबल में अभी ये आपको सितंबर का ही सिक्योरिटी बैच देखने को मिलेगा। इसी तरह यूरोप रीजन में जाएं तो उधर भी आपको जो है लेटेस्ट अक्टूबर का ही सिक्योरिटी बैच देखने को मिलता है। तो अपडेट जो है इसमें पीछे ज़रूर है सिक्योरिटी पैच के हिसाब से ग्लोबल में, लेकिन वर्जन इसका जो है आगे है। इसी तरह जो है इंडिया में पीछे है, लेकिन उसका जो है सिक्योरिटी पैच जो है आपको लेटेस्ट उधर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा चेंजेस आपको ग्लोबल अपडेट में ही देखने को मिलेंगे। और लैग वगैरह जो फिक्स किया गया वो भी सबसे पहले ग्लोबल अपडेट में ही फिक्स किया जाएगा, और बाकी वर्जन जो है बाकी जितने भी रीजन है उसमें थोड़ा सा अपडेटिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है और लेट होती है। तो आज के अपडेट में जो है सिक्योरिटी पैच के साथ काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट है, लैग वगैरह गेमिंग वगैरह में कुछ इंप्रूव है, बैटरी वगैरह में भी कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, और सिस्टम लैग थोड़ा सा जो है काफ़ी फिक्स कर दिया गया है। आगे जो है MIUI 14 आएगा तो उधर जो है उम्मीद है कि Xiaomi अच्छा वर्क करेगा, और जो आपको लैग देखने को मिलता है फास्ट बैटरी ड्रेनिंग जो है इशू है, और उसके अलावा काफ़ी हीटिंग का भी इशू है, तो वो भी हो सकता है कि MIUI 14 में आगे चलकर जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाए। तो जैसे जैसे अपडेट आती जा रही है आप अपने मोबाइल को लाजमी अपडेट करते जाएं, क्योंकि अपडेट करने से जो है जो पुराने मसले वो हल हो जाते हैं, लेकिन न्यू मसले ज़रूर आते हैं, बग्स ज़रूर आते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो बग्स फिक्स्ड भी हो जाते हैं। हर अपडेट में मसला जरूर आता है, ये सिर्फ Xiaomi के साथ नहीं, बाकी सारी डिवाइसेज में भी जो है जो भी अदर कंपनीज हैं उनमें भी जो है अपडेटिंग में जब न्यू अपडेट करते हैं कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन में जो है मैं 13.0.14.0 ग्लोबल डिवाइस Redmi Note 10 Pro और 13.0.7.0 इंडियन वर्जन Redmi Note 10 Pro दोनों की डिस्क्रिप्शन में फाइल का लिंक दे रहा हूँ। तो आगे जो मैं मेथड बताऊंगा उस मेथड से जो है आप जो मैं फाइल का लिंक देना उधर से डाउनलोड कर लें, ग्लोबल वाले भी और इंडियन वाले इंडियन फाइल डाउनलोड करें, ग्लोबल वाले ग्लोबल फाइल डाउनलोड करें, और जो मैं आगे मेथड बताऊंगा इस मेथड से जो है आप अपने मोबाइल को फ्लैश कर लें, आपका मोबाइल MIUI की 13 की लेटेस्ट अपडेट पर अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स जंप टू द फ्लैशिंग मेथड। तो आपके पास Xiaomi का कोई भी मोबाइल हो, कोई भी वर्जन हो, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपको तो OTA के जरिए अपडेट मिल गए फिर तो ठीक है, आप OTA से सिंपल डाउनलोड करें, फ्लैश करें। अगर आपको OTA अपडेट नहीं मिली और आप वेट नहीं कर सकते तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने खुद सिस्टम के बॉड फोन में जाना, बॉड फोन में जाने के बाद MIUI वर्जन में जाना है, और वर्जन पर जाने के बाद आपने इधर 3 डॉट पर जाना है, 3 डॉट में जाने के बाद आपने चूज अपडेट पैकेज में जाना है। अगर आपको इधर चूज अपडेट पैकेज नज़र आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप ये 12 वाले लोगों पर 10 से 12 बार क्लिक करें स्पीड के साथ, ये चूज अपडेट पैकेज आपका अनलॉक हो जाएगा। इस पर जाने के बाद आपने इंटरनल स्टोरेज के उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने OTA अप्लाई फाइल डाउनलोड की है। इस मेथड से आप ट्राई करें कि OTA अप्लाई फाइल ही फ्लैश करें। रिकवरी फाइल हर अगर आप रिकवरी फाइल डाउनलोड की है तो वो भी कुछ मोबाइल में वर्क करती है, कुछ मोबाइल में वर्क नहीं करती, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रिकवरी फाइल की बजाय आप OTA अप्लाई फाइल मेरे दिए हुए लिंक पे या किधर कहीं से भी आपने अगर अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल का अपने मोबाइल का OTA अप्लाई वाले लिंक से डाउनलोड किया है तो आप OTA के
ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए वो फाइल ईजी फ्लैश कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी आपके मोबाइल को नुकसान नहीं होगा। रिकवरी फाइल भी आप फ्लैश कर सकते हैं लेकिन वो कुछ मोबाइल पर वर्क नहीं करती, तो आप ओ टी ए अप्लाई फाइल ही इस मेथड से प्लीज़ अप्लाई करें और कोई रिस्क ना लें। वैसे वो अगर आप रिकवरी फाइल भी फ्लैश करेंगे तो उससे कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ मोबाइल पर वो वर्क कर जाएगी और कुछ पर वो वर्क नहीं करती और कोई वो डैमेज कोई भी नहीं देगी आपके मोबाइल को। अगर आपने इस तरह इस मेथड से आपने क्या करना है, अपने इंटरनल स्टोरेज के उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने ओ टी ए फाइल डाउनलोड करके रखी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये सैंपल फाइल डाउनलोड की है, तो आपने इस तरह आपके सामने एक जिप फाइल आएगी जो आपने डाउनलोड करनी है, उसको उधर प्लेस करना है जिस फोल्डर में आप इजीली फाइंड करें। तो मैंने अपने मिसाल के तौर पर इस फोल्डर में डाउनलोड करके रखी है, तो मैं क्या करूँगा उस अपडेटेड फाइल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ये ओके का फोन नज़र आ रहा है, आपने जस्ट ओके पे क्लिक करना है। ओके पे करने के बाद ये गेटिंग इन्फो करेगा, गेटिंग इन्फो करने के बाद ये आपका मोबाइल खुद ही डिक्रिप्टिंग स्टार्ट होगी और आपसे रीबूट का ऑप्शन मांगेगा। आपने जस्ट रीबूट पे क्लिक करना है, रीबूट करने के बाद आपका मोबाइल खुद सारा प्रोसेस करेगा अपडेटिंग का, और अपडेट होने के बाद मोबाइल स्टार्ट होगा और आपका मोबाइल अपडेट हो चुका होगा। तो गाइस ये था फ्लैशिंग मेथड। इसी मेथड से जो है डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड करें ग्लोबल वाले और इंडियन वाले, और अपने मोबाइल को जो है 13.0.14.0 ग्लोबल और 13.0.7.0 इंडियन वाले जो है अपने मोबाइल को लेटेस्ट अपडेट पर अपडेट कर लें अपने रेडमी नोट 10 प्रो को। तो आज की वीडियो में मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी कि आपको अपडेट में क्या नहीं होने देखने को मिलेगा और आप कैसे अपने मोबाइल में ये अपडेट मैनुअली फ्लैश कर सकते हैं, और मैनुअली फ्लैशिंग मेथड जो है वो सेफ मेथड है, इससे डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें। हमारा Xiaomi का फेसबुक का और टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लें, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।